अभी हम मौजूद है दुमका के एसपी कॉलेज के मेन गेट में, और मेन गेट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे धरना किए हुए हैं टीचर हैं और साथ में स्टूडेंट भी हैं। और इन लोगों की मांग है कि जो अभी चल रही है सोहराय पर्व, जो संथाल समाज का महान पर्व हाथी जैसा पर्व के रूप में जाना जाता है, उन्हीं को लेके यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है SKMU दुमका, यहाँ पे इसी द्वारा सोहराय पर्व के लिए छुट्टी नहीं दिया गया। तो हम बात करते हैं, छुट्टी नहीं दिया गया है लेकिन किन कारणों से, कहा कि इससे पहले छुट्टी दिया जा रहा था लेकिन जो नया विषय आने के बाद छुट्टी नहीं दिया जा रहा, वही उन्हीं सब बातों के लेके ये लोग नाराज है। और बात करते हैं सर, जैसे कि सोहराय को लेके छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, तो इससे पहले तो दिया जा रहा था, तो इसमें क्या कहना है, क्या कि देखिए वर्षों से सोहराय के समय में छुट्टियां मिलती हैं और मिलती हुई आई है, पिछले वर्ष तक भी सोहराय की छुट्टी रही थी लेकिन ना जाने क्यों आश्चर्यजनक ढंग से इस बार सोहराय की छुट्टी को बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोगों का जो डिमांड है कि जब किसी भी पर्व की जब छुट्टी मिलती है तो सिर्फ उस पर्व को लेकर छुट्टी नहीं होती है, ये पूरे उस समुदाय के लिए भी छुट्टी होती है। और एक जो जोश का और उल्लास का और हर्ष जो भी है हर्ष का विषय होता है कि उनको छुट्टी मिलती है, वो लोग उस त्यौहार को मनाते हैं, और जो भी समुदाय इस त्यौहार को मनाता है उनके लिए तो छुट्टियां होती ही है। इसके अलावा भी छुट्टी उनके लिए भी महत्वपूर्ण होती है जो कि त्यौहार को नहीं मनाते लेकिन वो अपने आप को संस्कृति से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, उस संस्कृति के साथ अपना एक जुड़ाव महसूस करते हैं। और पूरे संथाल परगना के इलाके में आप देख लें तो यहाँ पे आदिवासी जनजाति समुदाय में से संथाल आबादी बहुत बड़ी है, और ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो संथाल जनजाति के साथ बिल्कुल एक सहचर्य की भूमिका के साथ रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, उनके साथ अपना जीवन निर्वाह करने का कदम कदम पे सारे समुदाय साथ मिलकर चलते हैं। भले ही ये समारोह या पर्व या त्यौहार आदिवासियों के लिए है, जनजातियों के लिए है, लेकिन इस समुदाय के साथ जितने भी लोग निवास करते हैं सब लोग आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरा अन्याय हो रहा है कि जब सोहराय की छुट्टियों कटौती की जा रही है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। जैसे कि वीसी साहब बोले थे कि राज्यपाल द्वारा छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे तो दिया जा रहा था पहले लेकिन इस बार नहीं दिया जा रहा है, ऐसे कैसे मतलब हुई, या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो फिर वहां से छुट्टी नहीं दिया जा रहा। देखिए अभी इसमें आप बात, जब आप गवर्नर साहब की बात कर रहे हैं, आप राजभवन की बात कर रहे हैं, तो आपको एक बात की जानकारी हम और दे देना चाहेंगे कि अभी हमारे यहाँ जो आदरणीय कुलपति महोदय है उनको अभी तक पावर तक नहीं दिया गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और साथ में आपको दुख भी होगा कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय है और इतने एक पिछड़ा इलाका संथाल परगना प्रमंडल है, इस प्रमंडल का एकमात्र विश्वविद्यालय सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय है, और उसके जो कुलपति है उनको शक्तियां तक नहीं दी गई है, वो व्यक्ति एक डिसीजन तक नहीं ले सकते हैं, स्थिति ये है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे संथाल परगना के साथ मजाक बनाया जा रहा है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा व्यवस्था का बहुत भद्दा मजाक यहाँ पे उड़ाया जा रहा है। और अब जब छुट्टियों की कटौती की जा रही है तो अब तो ऐसा लग रहा है कि संथाल परगना को कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसे लोग हैं जो संथाल परगना को देखना नहीं चाह रहे, यहाँ के लोगों को देखना नहीं चाह रहे और यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने पे तुले हुए हैं, यहाँ के लोगों का भविष्य बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, यहाँ की संस्कृति को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जैसे कि सर जी, जैसे यहाँ पे छुट्टी नहीं दिया जा रहा है मतलब सोहराय को लेके, खासकर सोहराय यहाँ पे पूरा धूमधाम के साथ मनाया गया 8 तारीख को यहाँ पे, लेकिन अभी तक जो राजनेता है, यहाँ के जो नेता विधायक है और बहुत सारे हैं, उन लोगों अभी तक कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो इसमें क्या बोलना है? इसे भी इतना ही कहना चाहेंगे, आज पूरी विश्वविद्यालय परिसर के जितने कॉलेजेस हैं हर जगह सोहराय बड़े धूमधाम से मनाया गया, यहाँ एसपी कॉलेज में भी मनाया गया, पाकुड़ साहेबगंज गोड्डा देवघर जामताड़ में भी मनाया गया, लेकिन दुखी बात है आज जो हथिलकन पर्व है, बड़ा पर्व सोहराय पर्व जिसको मानते हैं, आज जो यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे वो सांसद है विधायक हैं, खासकर इन लोगों की ड्यूटी बनती है कि अपनी छुट्टी के लिए मांग करें, सोहराय की छुट्टी के लिए आवाज़ उठाएं। ये आज यहाँ छात्र बैठे हुए दुर्भाग्य की बात है, आज यहाँ के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, छात्र बैठे हुए हैं, शिक्षिका मतलब पूरे कॉलेज कर्मी बैठे हुए हैं, तो कम से कम सोचना चाहिए आज के पर्व के दिन इन लोगों को कहाँ में होना चाहिए, क्योंकि परंपरा संस्कृति अपने सोहराय पर्व जो हथिलकन पर्व है उसको बचाने के लिए युवा पीढ़ी ही सबसे बड़ी कर्णधार है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सभ्यता संस्कृति आने वाले के लिए, जब हमारे पूर्वजों के द्वारा जो प्रदत्त संस्कृति है, जो सोहराय पर्व है, जब वो 5 दिन तक रहते हैं तो वो जानते हैं हमारे आराध्य देव देवता क्या है, हम किस प्रकार अपने पूजन पद्धति है, किस प्रकार हमारे नृत्य संगीत है, अगर वो यहाँ के युवा पीढ़ी अवगत नहीं होंगे तो कैसे जानेंगे हमारे सोहराय पर्व क्या है। इसलिए हम कहना चाहेंगे जो यहाँ के विधायक बनते हैं, चाहे MLA बनते हैं, चाहे MP बनते हैं, सबसे पहले पहला ड्यूटी आपका बनता है कि विधानसभा में आवाज उठाइए आप लोग, ताकि कहे जो सोहराय पर्व है, यहाँ आदिवासियों का पर्व है, इनके सोहराय की पर्व को मनाने के लिए 5 दिन का छुट्टी होना चाहिए, ताकि लोग अपने गांव में जाके सामाजिक सौहार्द के साथ इस पर्व का आनंद ले सके और अपनी संस्कृति से अवगत हो सके, और वे जितने संथाल समुदाय हैं, कम से कम ये जितने भी यहाँ पर कॉलेज कर्मी के साथ सरकारी कर्मी हैं, ताकि अपने गाँव में जाके अपने
पर्व को मना सके और ताकि अपने भाई बहनों का जो पवित्र बंधन के रूप में जो सोहरा पर्व है और इसमें सब घुल मिल सके और सामाजिक सौहार्द के साथ एक पर्व का संदेश दे सके, यही हम कहना चाहते हैं। सरकार से मांग करते हैं, जो यहाँ बैठे हुए धरना के माध्यम से हम कहना भी चाह रहे हैं कि ये पर्व त्यौहार के साथ खिलवाड़ मजाक मत कीजिए, क्योंकि पर्व त्यौहार ही आपका आइडेंटिफिकेशन है, संथाल का आइडेंटिफिकेशन है और इसी आइडेंटिफिकेशन के जरिए आप यहाँ रिजर्वेशन के तहत विधायक बनते हैं, MP बनते हैं। तो खास कर जो पहचान है उस पहचान को मत खोइए और सोहराय का पर्व 5 दिन के लिए दीजिए, तभी आपका पहचान होगा और आने वाले कल में आपको सराहेंगे और यहाँ के जितने विश्वविद्यालय के जो कर्मी हैं चाहे वे छात्र हैं सभी को छुट्टी दीजिए ताकि वे पर्व का आनंद ले सके, ये कहना चाहूँगा मैं। जैसे कि सर जी सोहराय पर्व को लेके, सोहराय पर्व यहाँ संथाल परगना के लिए ऐतिहासिक पर्व है और बढ़िया तरीके से मनाया भी जाता है और वही मांग को लेके आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, और कुछ मांग है आप लोग का कि सोहराय छुट्टी के लिए? हम लोग का मांग ये है कि जो पहले से छुट्टी जो दिए जा रहे हैं वो छुट्टी गया कहाँ? दूसरा, हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से ये कहना चाहेंगे यदि आपने हमारे लिए प्रयास किया तो कहीं ना कहीं ये सफल प्रयास नहीं हो सका होगा, तब जाके ये स्थिति है। दिसंबर महीना से ही प्रत्येक कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं एक मीटिंग करने के बाद जो है ये प्रपोजल जाता है कि हम लोगों को सोहराय के लिए पैसा चाहिए, और ये पहले विश्वविद्यालय पहुंचता है, उसके बाद वहाँ से लेटर पहुंचता है प्रत्येक कॉलेज में, और तब जाके अलग अलग तारीखों पे ये कॉलेजों में मनाया जाता है। जब यही पेपर जो कागज स्टूडेंट्स दे रहे हैं यदि वही कागज ये राज्यपाल तक पहुंचा होता तो ये आज ये बैठने की नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि दिसंबर से ये जब प्रोग्राम शुरू होता है कॉलेज का सोहराय मनाने का स्टूडेंट्स के द्वारा, उसके बावजूद जो है यदि यह नहीं पहुंच पा रहा है कागज राज्यपाल के यहाँ, इसका मतलब हमारे विश्वविद्यालय के जो प्रबंधन समिति हैं उनका भी कमजोरी है। पहले तो होती थी, हाँ इसी बार ये पहला मौका जब ये नहीं हो पाया, हर बार हुआ है। कब तक धरना में बैठेंगे यहाँ पे? मान लो आपका बात नहीं माना जाता, बात नहीं माना जाएगा तो यही सोहराय होगा, यही नृत्य होगा और यही भोज होगा। कल श्यामदेव छात्र नेता श्यामदेव द्वारा वहाँ पे VCR छात्र नेता के बीच बहस हुई थी, चर्चा भी हुई थी कि सोहराय के लिए छुट्टी दिया जाएगा, वो सारे बातों को लेके, लेकिन फिर आज दूसरे दिन धरना यहाँ भी बैठा गया, इंस्टीट्यूट में बैठा गया। तो 10 जनवरी जो दिन है वो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस का कार्यक्रम अलग होता है, सोहराय का छुट्टी का दिन अलग होता है, और 11 से 14 तक 15 तक जो मकर संक्रांति तक का समय है वो मकर संक्रांति से पहले तक जो है यहाँ संथाल परगना में ये सोहराय मनाया जाता है। हम लोगों ने लिखित भी दिया है, उसमें भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इन लोगों की मांग है कि यूनिवर्सल छुट्टी दिया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल एक साउथ के हैं तो उनको कम से कम झारखंड जब आए हैं तो झारखंड की उनकी सभ्यता संस्कृति के बारे में पहले जानकारी चाहिए थी कि कौन कौन सी छुट्टी यहाँ प्राय मनाई जाती है या महत्वपूर्ण है, क्योंकि संथाल परगना में सबसे बड़े पर्व आपके आदिवासी के होते हैं, आदिवासी में आपका सोहराय का होता है सबसे बड़ा, और अगर आप सोहराय पर में ही आप नहीं देंगे, क्योंकि सोहराय आपके धनबाद रांची तरफ तो मनाया नहीं जाता है, वैसे ही हम लोग को दिया गया है जहाँ हम लोग को टूसू नहीं मनाया जाता है संथाल में। हम लोग का ये मांग है कि आप क्षेत्रीय आधार पर छुट्टी दीजिए, आप यूनिवर्सल मत दीजिए, क्षेत्र में जो पर्व मनाए जाते हैं उस हिसाब से आप छुट्टी दीजिए, क्योंकि यहाँ संथाल में आपके सोहराय अगर आप नहीं देंगे तो फिर हम लोग कौन सा पर्व में जाएंगे? सोहराय में हमारे परिवार भाई बहन सब मिल के मनाते हैं, और हम लोग को छुट्टी ना दिया जाए, बच्चों को छुट्टी ना दिया जाए तो फिर हम सोहराय में तो वंचित हो जाएंगे, फिर हम आने वाले भविष्य को हम क्या बताएंगे कि कौन सा पर्व में कौन सा दिन में कौन सा मनाया जाता है। तो हमारी ये मांगे हैं कि जो पहले से छुट्टी दिया जा रहा था उसी को यथावत रखा जाए, और ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। जैसे कि अभी धनबाद रांची तरफ देखिएगा तो टूसू पर्व जोर शोर से मनाया जाता है, तो ऐसे भी इधर भी मनाया जाता है, लेकिन कॉलेज में स्पेशल छुट्टी होना चाहिए, क्या कि संथाल परगना के एक ही SKMU दुमका यूनिवर्सिटी है, उनके सिवा यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन यहीं पर छुट्टी नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग का बातों का नहीं माना जाता फिर क्या कीजिएगा? हमारे अगर छुट्टी जब तक नहीं दी जाएगी तो हमारा धरना प्रदर्शन यू ही यथावत रहेगा या लगातार रहेगा जब तक, क्योंकि हो सकता है कि ये अभी किया जाए तो फिर आने वाले वक्त में ये ऐसे ही रहेंगे कि छुट्टी नहीं दिया जाएगा, और ये हमारी सबसे बड़ा पर्व को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमारी जब तक छुट्टी नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी ये जो धरना प्रदर्शन है ये आप लगातार चलते रहेगा। दे सकते हैं जब तक ये लोग का छुट्टी के मांगों को नहीं पूरा किया जाए तब से धरना प्रदर्शन बैठे रहेंगे, और ये लोग का मांग भी जायज है क्योंकि पूरे संथाल परगना जोर शोर से मनाया जाता है इस पर्व को लेके।
और ऐसे ही खबरों को दिखाते रहेंगे। देखते रहिए जवाहर का, धन्यवाद।